कक्षा 8वीं ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो आज एक्सरसाइज 6 शुरू करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल। और जो आपकी मोड में अंक भी आएगी, 6 तक अंक भी आएगी। कितने अंक की एक्सरसाइज आएगी? 6 अंक के प्रश्न वाली एक्सरसाइज में से आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान आपको ये देना है कि भैया वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। देखो वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान निकल के आता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग का मतलब है यानी उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दो और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब है कि वह वर्ग संख्या जिस पर यानी वर्ग टिका होता है वो उसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको इन वर्ग संख्याओं का ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपके लिए मैंने नियम से लिखा दिए थे, उन्हें आप ये लिखें। देखो बेटा ये तो वर्ग है, ठीक है, ये भी वर्ग संख्या है। ये क्या है हमारी? वर्ग संख्या। ठीक है, अच्छा अब इन वर्ग संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालें। तो देखो वर्ग जिन पर टिक रहा है वो लिखे क्या कहलाते हैं? वर्गमूल कहलाते हैं। जैसे 25 वर्ग संख्या है, वर्ग किस पर टिक रहा है? 5 पे। तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्ग मूल क्या होता है। वर्ग का मतलब मैंने सीधी सीधी बता दिया, जिस संख्या का मान लो 1 का वर्ग निकालने में 1 का 1 से गुणा करना है, ठीक है ना, जो आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी? वर्ग संख्या कहलाएगी। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब हमें 2 का 2 से गुणा करना है, जो मान आएगा वो उसकी वर्ग संख्या कहलाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों वर्ग एवं वर्गमूल केवल केवल इसी पर डिपेंड है, एक दूसरे के केवल प्रतिलोम है, ध्यान लगा लेना ये। तो देखो वर्ग संख्याओं में मैंने आपको ये बताया था कि भैया वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको दिखा दिया है कि यदि वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 आ रहा है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, वर्ग संख्या वही होगी जिसमें इकाई का अंक 1 आएगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें वर्ग संख्या में इकाई अंक आएगा तो 1 का में 1 ही आएगा। ठीक है, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आ रहा है, ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो यदि वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 है, ठीक है, तो अब देखो 1 1 किस किस में आ रहा है, ध्यान लगा के, आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 आ रहा है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, ये ध्यान लगा लेना। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 9 आएगा। फिर का ये ध्यान रखना है आपको कि भैया अगर इसमें वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0 है, जिसका अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं उसका इकाई का अंक 0 है, तो वर्गमूल में इकाई का वर्ग संख्या में इकाई की जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? 0। यदि 9 है कोई भी संख्या तो उसका अपन वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, ठीक है, और देखो 4 है तो 9 आएगा, ये एक दूसरे के विरोधाभास हैं, ध्यान लगा लेना। ठीक है, वर्ग संख्या में 4 आ रहा है तो वो वर्ग संख्या जो वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक 2 आएगा, यहां भी 4 आ
लगाना है तो 8 लगाना, ठीक है। तो ध्यान लगा लेना वर्ग संख्या वही कहलाएगी, किसकी वर्ग संख्या है ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। जैसे यहाँ यहाँ ये दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है, वर्गों के इकाई के अंक निकाल लेंगे। तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक वर्गों के इकाई के अंक, वर्गों में इकाई का अंक ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि यानी किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 आ रहा है तो वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। 9 आ रहा है तब भी 1 आएगा, 2 आ रहा है तो 4 आएगा, ठीक है ना, और 8 आ रहा है तब भी 4 आएगा। तो 2 और 8 में कितना आ रहा है ध्यान लगा लेना, यानी 1 इकाई का अंक 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। ये क्या है हमारा वर्ग संख्या में इकाई का अंक, ठीक है, और ये क्या है हमारी वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग संख्या में इकाई का अंक आ रहा है। जैसे 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा, 2 आ रहा है तो 4 आएगा, 3 आ रहा है तो 9 आएगा, ये ध्यान रखना, 4 आ रहा है तो 6 आएगा, क्या आएगा, अगर वर्ग में वर्ग जिसका कर रहे हैं अपन संख्या में वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई का अंक 4 है तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक है। 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा, 6 आ रहा है तो 6 ही आएगा, 7 आ रहा है तो 9 आएगा, 8 आ रहा है तो 4 आएगा, और 9 आ रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर 0 आ रही है तो वर्ग संख्या में डबल 0 आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इकाई का 0 आ रहा है तो यहाँ भी 0 ही आनी चाहिए, आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अंकों को देख करके, जैसे हमारे लिए कोई भी संख्या ले लिया है, मान लिया इकाई ले लिया 81 है, ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये वर्ग का इकाई का अंक है, ध्यान रखना इकाई का अंक। तो इसमें वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो आसानी से आप पहचान सकते हो, इनको देख लेना वर्ग संख्या ये आ रहे हैं तो ये वर्ग संख्या में इकाई का अंक ये आएगी, ठीक है ना। जैसे 272 आ रहा है, ध्यान लगा लो इसमें इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 में कितना आएगा वर्ग संख्या में इकाई का अंक 4 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक होगा कितना होगा 4 होगा, कोई सा भी अंक देख लें, ठीक है। जैसे 799 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक कितना है 9, 9 में देखो इसमें वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आसानी से आप बता सकते हो, कोई सी कितनी भी बड़ी संख्या ले ली जाए, जैसे 52698 है, इसमें इकाई का अंक देखो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 में देखो अगर इकाई का अंक 8 आ रहा है तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या, वर्ग में इकाई का अंक क्या है, तो वर्ग संख्या में इकाई के अंक ये आएंगे, ठीक है ना। तो आसानी से आप निकाल सकते हो इनको, तो ठीक है, कितना भी बड़ा आ जाए। जैसे 99880 है, 99880, तो देखो प्यारे बच्चों इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, आपके लिए कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप उस वर्ग संख्या में इकाई का अंक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे आ गया मुझे में, तो वर्ग संख्याओं का तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, और वर्गमूल में किस प्रकार से ध्यान रखना है ये भी बता सकते हैं कि निम्नलिखित संख्या है इसमें रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है इसका कारण दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो आप पहचान जाओगे पूर्ण वर्ग संख्याओं को, किस प्रकार से पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वे ही होंगी जिनमें केवल इकाई का एक आएगा, कहीं 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है क्या इसमें, कहीं नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 8
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसमें इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है, और 9 होगा। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यदि यानी पूर्ण यानी संख्या में आ रहे हैं तो समझ लेना है तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसमें इकाई के अंक ये आने चाहिए, इकाई के अंक क्या आना चाहिए? 0 डबल पेयर में आनी चाहिए, पेयर बनना चाहिए 0 का, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होगी कि इसमें इकाई का अंक, इसका अंक इकाई का अंक, हाँ जी 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 2, 3, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये अंक आ रहे हैं तो समझ लेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों केवल 4 अंक आपको ध्यान में रखने हैं, यदि इकाई का अंक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है तो समझ लेंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आएगा? जीरो की पेयर आएगी, डबल जीरो आएगा, एक आएगा, 4, 5, 6 और 9 का अंक अगर आ रहा है तो समझ लेंगे कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए कोई भी यहां संख्या दे दी है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका कारण दीजिए। जैसे पहला है दूसरे का कि भैया 1057 है। प्यारे विद्यार्थियों ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ये इसीलिए नहीं है कि इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा है, और यदि इसमें इकाई का अंक 7 आ जाता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप बता सकते हो कोई सी भी संख्या लिख दी जाए, जैसे मैं यहाँ ये लिख दूं कि भैया कितनी बड़ी लिख दूं, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 2। प्यारे विद्यार्थियों क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है, और जिसमें इकाई का अंक 2 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो दूसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो कि क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अगला वाला भी है 2, 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
पूर्ण यानी विषम संख्या कौन सी होती है जिनमें इकाई का अंक आता है
संख्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली भी कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है हाँ भाई, ये वाली भी कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, ये वाली भी कैसी होगी? विषम संख्या होगी। आगे आ गए हैं, और ये वाली भी कैसी होगी? विषम संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ऐसी वर्ग संख्याएं जिनमें इकाई का एक आ रहा हो, तीन आ रहा हो, कितना आ रहा हो? तीन आ रहा हो, पांच आ रहा हो, सात आ रहा हो, नौ आ रहा हो, तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, तो यहां विषम संख्या वाला आ गया कि विषम संख्या वही वर्ग संख्या कहलाएगी, वही वर्ग संख्या कहलाएगी जिनमें इकाई का अंक, हाँ भैया, एक आ रहा है, तीन आ रहा है, पांच आ रहा है, सात आ रहा है और नौ आ रहा है। तो ये तो आपको दिख दी है भाई, क्योंकि इनमें इकाई का एक, तीन, पांच, सात और नौ आएगा, तो वे संख्या ही उन संख्या का ही वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, जैसे 431 आ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें इकाई का एक आ रहा है और जिसमें इकाई का एक, तीन, पांच, सात, नौ आ जाए, तो वे संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? विषम वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? विषम वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें इकाई का एक आ रहा है, तो ये संख्या विषम वर्ग संख्या होगी। सेकंड में देखना, 2826, इसमें इकाई का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ओ भैया, विषम वर्ग संख्या में तो क्या आना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए। इसमें तो 6 आ रहा है, सब आ रहा है, तो समझ लेंगे कि जिस संख्या में इकाई का अंक विषम आता है, तो उसकी वर्ग संख्या भी विषम वर्ग संख्या होगी, और जिसमें सम आ रहा है, तो उस संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि भैया